अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वनाश्रित समुदाय। वन, वनों के बारे में लोगों में अलग अलग धारणाएं हैं और उनका महत्व भी अलग अलग होता है। कुछ लोग वन से डरते हैं। उनका कहना है, वनों में बड़े बड़े पेड़ पौधे, जंगली जानवर, शेर, भालू, सांप, बिच्छू इत्यादि होती हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें वनों से भय नहीं लगता और उनके बच्चे भी निडर होकर घने वनों में घूमते और खेलते हैं। कुछ लोग वनों की सुंदरता से प्रभावित होते हैं या उसे पूजनीय मानते हैं, तो कुछ और लोग वनों को आर्थिक संसाधन मानते हैं जिससे उद्योगों के लिए कच्चा माल जैसे इमारती लकड़ी, बांस, तेंदू पत्ता आदि मिलते हैं। वनों का उपयोग भी अलग अलग तरीके से होता है। कुछ लोग वनों में छोटी झोपड़ी बनाकर निवास करते हैं, जंगलों में रहकर छोटे जानवरों का शिकार करके तथा फलों को एकत्रित कर अपना पेट भरते हैं। कुछ लोग अपने पालतू जानवरों को जंगल में ले जाकर चराते हैं। कुछ लोग जंगलों में पर्यटन के लिए जाते हैं, तो कुछ लोग पेड़ों को काटकर वहां खेत खदान या उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि न केवल हम मनुष्य ही जंगल का उपयोग करते हैं, बल्कि पेड़ पौधे, घास फूस, चिड़िया, कीड़े मकौड़े आदि भी जंगलों में पनपते और बढ़ते हैं। जब भी हम जंगलों के बारे में विचार करें तो इन सब के हितों के बारे में भी सोचना होगा। जंगल या वन क्या है? इनको परिभाषित करने के कई तरीके हो सकते हैं। दरअसल वनों की कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती। हम वनों को किस रूप में देखते हैं उससे उसकी परिभाषा तय होती है। उदाहरण के लिए हम यह कह सकते हैं, वृक्षों एवं झाड़ियों से ढके विस्तृत भूभाग को वन कहते हैं। इससे यह प्रश्न उठता है कि कितना बड़ा भूभाग पेड़ों से ढके होने का क्या मतलब है? कितना घना? क्या एक रबर या सागौन या नीलगिरी का रोपण प्लांटेशन भी वन है? क्या हम वनों को उनमें रहने वाले कीड़े मकोड़े, जानवर, पक्षी और मनुष्यों के बिना पूर्ण मान सकते हैं? किसी भी परिभाषा के साथ हम इस तरह के प्रश्न कर सकते हैं। फिर भी हमें वनों के बारे में किसी समझ को लेकर आगे बढ़ना होगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि अधिकांश वनों में ये बातें देखी जा सकती हैं। पहला, एक विशाल क्षेत्र, कई किलोमीटर लंबा और चौड़ा। दूसरा, पेड़ और अन्य वनस्पति जैसे घास, झाड़ियाँ, पौधे, लताएं आदि जो मनुष्य के हस्तक्षेप के बगैर उगते और बढ़ते हैं। तीसरा, व्यापक जैव विविधता, जहां विभिन्न तरह के जीव जंतु मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक रूप से रहते हैं व प्रजनन करते हैं। चौथा, भारत के जंगलों में कई जनजातीय समुदाय रहते हैं जिन्होंने अपने आप को उन जंगलों के अनुरूप ढाला है और जंगलों में कम से कम हस्तक्षेप करके जीवन व्यतीत करते हैं।